जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स यहाँ ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा ओपिनियंस की प्रोबेबिलिटी। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। फिर बॉलीवुड की मूवीज एंड दी सीरीज वर्क एज चेरी ऑन द केक। इतने सारे ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन के बीच पैदा होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हम में से कई जो मिलिट्री बैकग्राउंड को नहीं बिलोंग करते हैं, उनके पास मिलिट्री को लेकर वही व्यूज है जो उन्हें किसी ने बताया है या उन्होंने कहीं पढ़ा या ऑफ कोर्स किसी हैवी बजट की मूवी में देखा है। कई समझते हैं कि सोल्जर होना मतलब सिर्फ बॉर्डर्स पे पोस्ट होना। कईयों को लगता है CSD मतलब फ्री का राशन और ग्रोसरी। और कई लोगों को तो करण शेरगिल की तरह लगता है कि बस एक रूटीन एग्जाम, एक इंटरव्यू और एक मेडिकल टेस्ट, पास तो मैं हो जाऊंगा। तो चलिए आज हम सोल्जर्स के बारे में कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बर्स्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स वी मिसअंडरस्टैंड अबाउट सोल्जर्स की। दे आर नॉर्मल ह्यूमंस एंड हैव लिमिटेशंस। फ्रेंड्स, सोल्जर्स ऑफ कोर्स सुपर हीरोज हैं, पर जैसे स्विफ्टली ये मूवीज में दिखाया जाता है, वैसे वो 20 टेररिस्ट को बस यूं ही इमीडिएटली मार नहीं सकते। वो ह्यूमंस हैं जिन्हें इस एक्सटेंट तक पहुंचने में काफी ट्रेनिंग लगती है, जो प्योरली ऑर्गेनिक होती है। उनकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है। वो अपनी वीकनेस छिपाते नहीं है, बल्कि उन पर रोज घंटों काम करते हैं, ताकि जब दुश्मन सामने हो तब दुश्मन के पास बचने का कोई चांस ना हो। दे आर नॉट गॉड गिफ्टेड, बट दे डेफिनेटली बिल्ड देमसेल्फ एज द वन हु लुक गॉड गिफ्टेड। दे डोंट हैव देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग पॉलिटिक्स और एनी अदर नेशनल इंटरेस्ट। जनरली फौजी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर रिमार्क देने से कतराते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास अपने ओपिनियंस नहीं है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि दे आर अंडर एन ओथ टू फॉलो द रूल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। दे आरंट फ्री इन देयर सर्विस टू पब्लिकली एक्सप्रेस देम। हालांकि ये कंडीशन उनके ऊपर रिटायरमेंट के बाद नहीं रहती है। सारे सोल्जर्स के पास अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी भी प्रेशर में उनके ओपिनियंस अलाइन नहीं कराए जाते हैं। They are free to have their opinions. They don't have feelings and emotions and nothing can affect them. Soldiers को rough, tough and solid rock समझा जाता है, जो कि सच है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके कोई emotions नहीं है। वो कोई machine नहीं है जो सुबह से शाम तक सिर्फ country को protect करने के लिए deployed हो। They are humans too, who have family, जिनके लिए वो affectionate होते हैं। वो देखने में definitely stiff लगते हैं, but deep down they are very soft, जो अपनी लाइफ हमारी प्रोटेक्शन में लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इज दैट ऑफिसर्स इंजॉय अ लॉट व्हाइल मेन अंडर देम सफर अलॉट। ये हमने कई बार सुना है जब कई जर्नलिस्ट ट्विस्टेड स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं, जब वो आर्मी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिफेम करने की कोशिश करते हैं बाय सेइंग कि सोल्जर्स के साथ ऑफिसर्स या सीनियर JCO इनजस्टिस करते हैं, उन्हें सप्रेस किया जाता है। पर सच ये है कि फौज एक की नहीं सबकी है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसे कभी प्रमोट नहीं किया जाता है। इनफैक्ट जब लेफ्टिनेंट यूनिट रिपोर्ट करता है तो वो लाइंस में सोल्जर्स के साथ भी रहता है। दे लिव, ईट, वर्क एंड प्ले विद देयर मैन एंड दिस कुड बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्टेंस फेज ऑफ द न्यू ऑफिसर। ऑफिसर्स हमेशा अपने मैन को डिफेंड करते हैं और उनके लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टैब्लिश रहती है। सहायक सिस्टम या बॉडी सिस्टम को इंटायरली मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। ऑफिसर और सोल्जर का रिश्ता फोर्स का फाउंडेशन है, जिसपे पूरी आर्मी रिलाई करती है। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसाइड द आर्मी लाइफ। लोगों के नोशंस सोल्जर्स और ऑफिसर्स को लेकर काफी गलत होते हैं कि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ चिल है, जो भी उनकी नीड्स है वो आर्मी टेक केयर करती है। ये सच है कि आर्मी सोल्जर्स की हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करती है, पर ऐसा नहीं है कि उनकी सारी नीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी होती है एंड दे डोंट हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। कुछ फैसिलिटीज जैसे CSD कैंटीन सोल्जर्स के फैसिलिटेशन के लिए हैं, जो सब्सिडाइज्ड रेट पे एसेंशियल्स प्रोवाइड करती हैं, पर कैंटीन में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है।
सोल्जर्स हमेशा अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, मैक्सिमम टाइम्स वो फील्ड पोस्टिंग पे होते हैं। जब वो फैमिली से दूर रहते हैं वो तमाम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते। इनफैक्ट कई दिनों तक वो अपनी फैमिली से बात भी नहीं कर पाते एंड दिस मेक्स देम नॉट हैप्पी। सो ऑफ कोर्स उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनकी कॉस्ट भी बियर करते हैं। फ्रेंड्स, सोल्जर्स बेसिक ह्यूमंस होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल भी हमारे जैसे ही होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर करते हैं, बट दे हैव अ हार्ट व्हिच फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक आर्स। ऑल्सो आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कंसील्ड है, तो सोल्जर्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना कॉमन है, बट आई होप आज की वीडियो में आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।